इंडस्ट्रियल एरिया के लिए खास माना जाता है लुधियाना, कहा जाता है कि इंडस्ट्री हब है। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाती है इंडस्ट्री की या उसकी, तो लुधियाना को सबसे पहले जाना जाता है। आज हम लुधियाना में पहुंचे हैं। यहां से लोकसभा उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के पप्पी पराशर को सीट दी गई है। एक समय में लंबे समय उन्होंने यहाँ पे काम किया, उन्होंने MLA रहे आम आदमी पार्टी की तरफ से। लुधियाना से MLA की तरफ से उनको सीट दी गई थी। उन्होंने पहले बड़ी लीड से लुधियाना में जीत हासिल की थी, अब उनको लोकसभा सीट दी गई है। आज हम लुधियाना में पहुँचे हैं और पप्पी पराशर ओना के घर चलते हैं, देखते हैं कि वो अपने दिन की शुरुआत लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए किस तरीके से करते हैं, कैसे उनके दिन की शुरुआत होती है, कौन कौन सा उनका जो किन किन से वो मुलाकात करते हैं और क्या शेड्यूल चलता है। आइए आपको लेकर चलते हैं लोकसभा उम्मीदवार पप्पी पराशर के घर। लोकसभा उम्मीदवार जो लुधियाना से हैं पप्पी पराशर, जैसे हमने पहले आपको दिखाया कि वो घर से अपने निकलते हैं, दिन की शुरुआत उनकी कैसे कैसे हो रही है, लोगों से मुलाकात का दौर वो सुबह ही अर्ली शुरू कर देते हैं, हालांकि अभी समय बहुत अर्ली है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, वो चाय पर चर्चा करने के लिए यहाँ लोगों से मिले हैं, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर चर्चा भी होती है, विचार भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ों के हल भी निकलते हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने भी निकल के आती है। सर, लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, अब तो कुछ बहस कुछ ही दिन रह चुके हैं, किस तरीके से प्रचार चल रहा है? आज आप लोगों से डोर टू डोर के साथ साथ आप घर घर में जाके मुलाकात कर रहे हैं, आज आप चाय पे चर्चा करने के लिए यहाँ पहुँचे। देखो, ये अभी समय कम रह गया, समय को देखते हुए फिर अभी घर में मीटिंग, नुक्कड़ मीटिंग बोलते हैं ऐसे, नुक्कड़ मीटिंग प्रचार तो बहुत कर लिया, अभी समय कम रह गया, घर पे जाकर सबको मिलने हैं, आपस में जो पुराने परिवार है इनसे बातचीत करके इनको बोल रहे हैं भी भाई वोट सबको बोलो, वोट डाले। कैसा चल रहा है आपका प्रचार, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे टफ फाइट है, टफ फाइट इसलिए भी कही जा रही क्योंकि जहाँ एक तरफ विट्टू खड़ा है, राजा वड़ेंग भी है, तो उस तरफ आफ है और अकाली दल की भी एक अच्छे, क्योंकि ये वो नाम है जिन्होंने लंबे समय तक सियासत में राज भी किया है, चाहे विट्टू की बात की जो तो सांसद भी रह चुके हैं, प्रधान रहे हैं, हालांकि कहीं ना कहीं वो कांग्रेसी ही बैकग्राउंड है, बेशक अब चेहरे बदल गए हैं, पार्टियां बदल गई हैं। इतने पुराने, हमारे से पुराने नहीं है ये जी। जितना आप बोल रहे हो, हमारे ही बनाए हुए हैं ये, लोगों के बनाए हुए हैं पुराने। तो पुराना होने का मतलब ये नहीं है, सेवा चाहिए मन के अंदर, अगर सेवा नहीं है तो पुराना क्या करेगा। 10 साल बिट्टू को मिले हैं यहाँ लोगों, इन लोगों ने दिए हैं, एक काम बता दे भी मैंने लुधियाना के लिए ये काम किया है और अपनी आवाज लुधियाना की आवाज वहाँ लोकसभा में उठाई है। काम तो लुधियाने का किया नहीं, पुराने को क्या करेंगे। दादे के नाम के ऊपर राजनीति नहीं चलती ज्यादा लंबी, हो गई जितनी होनी थी, खत्म है अभी उसकी राजनीति। आपको क्या लगता है, जैसे आपने दादा का जिक्र किया, लगता है कि इसी नाम के ऊपर चर्चा लगातार चल रही है उनकी? देखो बात सुनो, दादे का नाम, दादे ने जिस पार्टी में कुर्बानी दी है उस पार्टी को 10-15 साल उसके राज किया उसकी पार्टी में, अभी समय को देख के एकदम सवारी बदल जाए तो क्या कर सकता है आदमी। ये लुधियाना के लोग आज उसको पूछ रहे हैं, जब वो भाजपा में गया है, साथ वाले जो 24 घंटे उसके साथ रहते हैं उनको भी नहीं बताया अभी मैं भाजपा में जा रहा हूँ। मोदी और अमित शाह के साथ 10 साल गुजारे, वहाँ ही बातचीत की सभी लुधियाने के लोगों को, बोल के भी मैं तो भाजपा में चला गया, ये ऐसे नहीं काम चलेगा। बिट्टू तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं गठजोड़ इन पार्टियों का हो रहा था और हमें पहले ही इस चीज का, और हम जिसका विरोध कर रहे थे, पंजाब में नहीं है लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अलायंस इनका यहाँ पर भी चल रहा है। बिट्टू के बोलने से कुछ नहीं होगा, सभी दरवाजे खड़का के देख लिए उसने, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, उसने 10 साल किसी की बात नहीं सुनी, उसके लिए दरवाजे बंद हो गए, वो भाजपा में चला गया, यही बात है और दूसरी कोई बात नहीं है इसमें। राजा वड़ेंग को किस तरीके से देखते हैं? देखो, बाहर वाला 180 किलोमीटर दूर से आकर अभी लुधियाना की क्या सेवा करेगा, ये लोगों के तो पहले 10 साल ऐसे ही निकल गए। लुधियाना एक पंजाब का दिल है, लुधियाना ही कमजोर कर दिया ये लोगों की राजनीति ने,
इंडस्ट्री यहाँ है, लोग सारे पंजाब की क्रीम लुधियाना में रहती है। अगर यही शहर कमजोर हो गया तो क्या पंजाब कैसे चलेगा। सबसे आगे था, एक नंबर का शहर था लुधियाना, आज भी है, लेकिन ये राजनीति लोगों ने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी लुधियाना की आवाज नहीं लोकसभा में उठाई। जाऊंगा इनके आशीर्वाद से, देखना पहले दिन से ही अगर लोकसभा में लुधियाने का नाम पहले नंबर पे आएगा। कौन से मुद्दे ऐसे रहेंगे जो सबसे पहले प्रायोरिटी पे, आपने कहा कि मैं जाके आवाज उठाऊंगा, जाहिर है सांसद बनेंगे तो आवाज तो उठेगी ही, कौन कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं? नहीं, संसद तो बने हैं, बिट्टू भी बना है, आवाज कहाँ उठाते हैं ये लोग, वोट लेते हैं। मैं तो सबसे पहले हमारा 8,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने रखा है उसकी आवाज उठानी है। एक लुधियाना के अंदर जब 5 लाख की आबादी थी उस टाइम का एक सिविल हॉस्पिटल मिला है लुधियाने को, आज 50 लाख की आबादी का शहर हो गया, कोई हॉस्पिटल, कितनी सरकारें आई, कितने मेंबर ये लोगों ने चुने, एक ने नहीं आवाज उठाई लोकसभा में भी, कोई पीजीआई जैसा बड़ा हॉस्पिटल लुधियाना को भी मिलना चाहिए। ये मेन मुद्दे नहीं है, ये लोगों की जरूरत नहीं है। लुधियाना के लोग, मेरे को खास करके उस दिन महसूस हुआ, एक मेरा दोस्त था, मैं उसको फोन किया, मैंने बोला कहाँ हो आप, बोलता मैं अपने भाई को पीजीआई में लेके आया हूँ हॉस्पिटल में चंडीगढ़, मैं बोला चलो मैं आ रहा हूँ। जब मैं हॉस्पिटल के अंदर एंटर किया, दरवाजे के पास ही हमारे लुधियाना के 40 मरीज पड़े हैं नीचे, क्या आवाज है, लोग इस लोग अपना मत का दान देते हैं, ये दान को लेकर ये थोड़ी अभी अपनी ऐश परस्ती करो, 5 साल पौने 5 साल फिर लोगों के आके पाँव में पकड़ के वोट डाल दो, वोट का मत का दान देते हैं ये लोग। जो दान लेके भूल जाता है उसको कौन राजनीति में अच्छा समझेगा, ये दान है। आपके आज के और क्या क्या, अब यहाँ तो चलो आपने लोगों से चर्चा की, अब आगे कहाँ क्या क्या रहने वाला है, हम आपके साथ साथ चलेंगे, लेकिन आगे कौन से स्पिल निकल रहे हैं? हमारे महान शहीद सराबा जी का आज जन्मदिन है, वहाँ उनकी पावन धरती के ऊपर जाकर शीश झुकाना है। ठीक है, तो ये थे अब अभी पराशर, और अब हम इनके साथ चलते हैं आगे आगे, और जैसे जैसे इनका कंपेन आगे बढ़ेगा हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या क्या इनका शेड्यूल है। शुरुआत वो दिन की कर चुके हैं, अब आगे आपको लेकर चलते हैं और दिखाएंगे कि आगे आगे कैसे कैसे नुक्कड़ सभाएं होती हैं और कैसे कैसे लोगों से मुलाकात करते हैं। लगातार कैंपेन इस समय चल रही है और धूप भी बहुत तेज है। हम इस समय पप्पी पराशर के साथ उनके साथ डोर टू डोर घूम रहे हैं, इस समय वो लगातार लोगों के बीच जिप घुमा रहे हैं। सर, आप लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तपती गर्मी, लोगों का प्रचार कर रहे हैं, समय भी बहुत थोड़ा रह चुका है। देखो, गर्मी तो लगती नहीं है, इलेक्शनों की बहुत ज्यादा गर्मी है, अभी गर्मी नहीं लग रही, लेकिन लोगों के बीच में जाना जरूरी है, लोगों को अपनी बात बताना और लोगों की सुनना, ये समय है। अभी हम तो समय है लोगों का जो प्यार है, वो लोगों का प्यार ही इधर हमारे को धूप में लेके फिर रहे हैं। मुद्दे कई है, टफ टक्कर है, हालांकि हर सीट के ऊपर टफ टक्कर, मुद्दे भी कई होते हैं। लुधियाना की बात की जाए, इंडस्ट्री है यहाँ पर। लुधियाना पंजाब का दिल है, इन्होंने दिल की तरफ नहीं देखा, जो पहले राजनीति लोगों ने चुन के भेजे हैं लोकसभा में, कभी लुधियाना की आवाज नहीं उठाई, कभी लुधियाना का नाम तक नहीं लिया, आज दूसरी पार्टियों में आकर राजनीति कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ राजनीति को धंधा बना लिया ये लोगों ने, तब लोगों के मन। साल आप खो चुके हैं सरकार को बने हुए, 2 साल से आप लगातार काम कर रहे हैं, अब तक अगर लुधियाना की बात कीजिए तो कौन से बड़े बड़े चीजें आपने की हैं? देखो, लुधियाना के अंदर एक तो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेंटर में एक बड़ा नाला निकलता है, उसको छत पूरा छताकर लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है, लोग बहुत तंग थे वहाँ, बरसात में अगर बरसात आ जाती थी तो बरसात सभी घरों में पानी चला जाता था, लोगों को बहुत बड़ी बड़ी राहतें दी है,
कूड़े के डंप थे कौन सी में तीन चार, वो सभी उठा दिए। अमरिंदर राजा अमरिंदर वड़िंग हो चाहे बिट्टू की बात की जाए, लगातार वो ये कह रहे हैं कि लुधियाना में दो साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है, और जबकि काम जितना होना चाहिए था इंडस्ट्री में वैसा होना बड़ा जरूरी था। बिट्टू को 10 साल लुधियाना के लोगों ने दिए हैं, उसको बोलो वो काम बताए आपने क्या किया उसने। यहाँ स्मार्ट सिटी का जितना पैसा आया बिट्टू को बोलो उसका हिसाब दे दे। सारे पैसे पता ही नहीं कहाँ चले गए। बेसमेंट जैसे बेसमेंट बनती है ऐसे पुल बनाकर दो तीन। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मैंने देखा आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोग बहुत सारी समस्याएं भी आपके पास लेकर पहुंच रहे हैं यहाँ पे, क्या लगता है प्रायोरिटी पे फर्स्ट जैसे आप जीतते हैं सबसे पहला काम क्या लेकर जाएंगे? 8,000 करोड़ रुपया जो केंद्र की सरकार हमारे पंजाबियों का हक रख के बैठी है, सबसे पहले उसकी आवाज उठानी है। दूसरा एक यहाँ 50 साल पहले जो सिविल हॉस्पिटल बना है वही रह गया। कितनी सरकारें आई, कितने मेंबर लुधियाना के लोगों ने चुने, किसी ने लोकसभा में आवाज नहीं उठाई आज तक। एक बड़ा पीजीआई जितना बड़ा हॉस्पिटल लेके आना है लुधियाना में। तो अब आपका और क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है, कैसे कैसे लोगों से मुलाकात? सभी ये गोगी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ सबको मिलके 3-4 बजे तक यहाँ करेंगे 3 बजे, और आगे जहाँ लोगों का दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा तो तभी सबको बताएंगे। थैंक यू सो मच। गोगी जी भी साढ़े नाल इतने गल करने मौजूद है। एमएलए साहब बड़ी तैयारी चल रही है, ते जीप ते भी गेड़ी लग रही है, लोगों ना मुलाकात। हाँ मैं अपना रिपोर्ट कार्ड मैडम 2 साल का तुम कहने 2 साल ची की किया। हाँ। 2 साल का रिपोर्ट कार्ड कला मेरे हल्का वैस्ट का जिस 150 करोड़ का मैं काम कराया, क्योंकि पब्लिक मेरी टीचर आ, मेरा फर्ज बनता है एज ए बच्चा होने नाते इन्हों का। मैं जो काम किए मैं साल बाद हमेशा अपना रिपोर्ट कार्ड आप पेश करता, जोड़ा 2 साल हो गए, 2 साल 150 करोड़ के काम कराए ने जिस RO/RUV फ्लाईओवर लेयर वैलियाँ पार्कों डॉग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर ट्यूबवैल सीनियर सिटीजन हाल अपने कम्युनिटी सेंटर स्कूल जोड़े प्राइवेट सरकारी स्कूल ऑपरेशन कराए, ठीक है, जगह जगह पर बेंच लगवाए, पानी के मशीन लगवाइया हॉस्पिटल के एक मिनट यार प्लीज हॉस्पिटल के कहते मोर्चरी असी मशीन रखाइया शमशान घाटा के मतलब असी जो लोग आप लोगों के पास रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं, लोग इस चीज़ को मान रहे हैं? बिल्कुल, जे देखो 40,000 कापी छपाई है, 35,000 मेरे हल्के में घर है। अच्छा। तो 40,000 कापी में मैंने सारा पहले क्या था अब क्या है, 2 साल पहले चीज़ क्या थी अब क्या है, साथ में बिफोर आफ्टर की फोटो कलर लगाई हुई है, ये देखो कलर फोटो लगी हुई है, पहले क्या था अब क्या है, ठीक है ना, ये पहले था अब क्या है, ये हर चीज़ का पहले क्या है अब क्या है, मतलब हर चीज़ का हमने ब्यूटिफिकेशन ये वो सारा कुछ दिया हुआ है इसमें, ये पहले का क्या था अब क्या है, ठीक है, ये मतलब हर चीज़ हमने क्लियर की है। मेरे आने से पहले ये लुधियाना वेस्ट कैसा था, अब मेरा मेन विज़न है जो 3 साल है उसमें मैंने देनी अपने हल्के को गुड गवर्नेंस, क्योंकि जो सरकारी दफ्तरों में धांधली चल रही है वहाँ पे मैंने हर ऑफिस में अपना हेल्प डेस्क लगाऊंगा, अपने बंदे बिठाऊंगा, जो पब्लिक की ग्रीवियंस सुनेंगे उसी वक्त हल करेंगे, जो ऑफिसर काम नहीं करेगा कोई अधिकारी काम नहीं करेगा उसके बनते खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेकंड ट्रैफिक मेन, उसको हम ग्रीन सिटी बनाने का मेरा हल्के का अपना है कि मैं अपने हल्के को ग्रीन हल्का बना के दूं ताकि यहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल कम हो, और लंग्स बैंक बना के दूं मैक्सिमम अपने माइक्रो जंगल लगाएं एनवायरनमेंट का, ऐसा मेरा विजन है। पप्पी जी आखिरी सवाल है आपसे, तो पूरी तैयारी है 1 तारीख को आने ही वाली है? बिल्कुल तैयारी है, जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी ज्यादा जोश से तैयारी होगी। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है उम्मीदवारों में जोश भी उतनी तेजी से है, लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, दावा जरूर किया जा रहा है 4 जून को अब तय होगा कि लोगों ने किसके काम के ऊपर मोहर लगाई है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ लुधियाना से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।